हेलो गाइस, कैसे हो आप साहब। मैं हूँ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस करनावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम मरकरी सेल पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में लकलांसे सेल पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। गाइस, मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल है और प्राइमरी सेल से आप समझ गए कि इसका यूज एक ही बार किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है चार्जेबल नहीं है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हैंड वॉच का जो सेल होता है, छोटा सा सेल होता है, आपने सबने देखा होगा, तो वो मरकरी सेल है। अब उसके अंदर क्या क्या भरा रहता है, एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, तो वो हम उसकी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो देखो, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि जो मरकरी सेल छोटा सा सेल होता है, उसका जो कंटेनर होता है, बाहर से आपको ब्राइट ब्राइट दिखता है, वो चमकीला दिखता है, तो जो वो कंटेनर होता है वो स्टील का कंटेनर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर का पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर की ओर होता है, उसे हम बोलते हैं स्टील आउटर टॉप। और ये जो कंटेनर है ये भी स्टील का होता है। और सेल के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है ना, वो जिंक अमलगम की होती है और वो एनोड का वर्क करती है। उसके बाद उसके नीचे जो रेड आपको लेयर दिख रही है, रेड लेयर, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके नीचे की लेयर जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और कैथोड का काम करती है। तो गाइज, सिंपल सा डायग्राम है, आपको बस तीन बातें ध्यान में रखनी होती है कि एनोड किसका बना है। तो एनोड बना है जिंक अमलगम का। देखो, कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ होती है ना, तो हम उसे उसका अमलगम बोलते हैं, ठीक है। और कैथोड बना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है। तो गाइज, सेल में हमें ये तीन बातें ही ध्यान में रखनी होती है, इन्हीं से हम सेल की रिएक्शन करते हैं। अब देखो, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो रिएक्शंस को आप ध्यान से समझना। आप जानते हो कि एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब एनोड बना हुआ है जिंक अमलगम का, तो हमें अमलगम यानी कि मरकरी तो यूज करनी नहीं है, केवल जिंक ही यूज करना है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखो कि हमें जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाना है, ZnO, ये बात आप ध्यान रखो। अब गाइज, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहां पर जिंक अकेला है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, पूरे पर चार्ज कितना है, 0। जिंक का हमें निकालना है अक्स, ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो अक्स बराबर +2, तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ध्यान से समझना रिएक्शंस को। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम इलेक्ट्रॉन से इक्वल करते हैं, तो अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो माइनस जोड़ दूंगा, तो दो माइनस दो प्लस, 0 हो गए ना, और इधर भी 0 है। तो गाइस ध्यान रखना, हमें ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉनों से इक्वल करना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का काम हो गया। और हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड ही आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही ऑक्सीडेशन होता है। आ गई बात समझ में इतनी। अब देखो, इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो देखो सेल में ऑक्सीजन देने वाला कौन है, तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट से लेंगे हम ऑक्सीजन, तो KOH ब्रेक होता है K+ में और OH माइनस में। अब OH को ले लो, क्योंकि K+ का तो क्या करोगे, तो ये मैंने OH ले लिया। आ गई बात समझ में। अब देखो, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम हमेशा इक्वल करते हैं H2O से, तो इधर H2O लिख दो। अब इधर दो हाइड्रोजन और इधर एक ही हाइड्रोजन, तो इस OH को दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो गाइज रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, देख लो। अब कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो देख लो, रिडक्शन एट कैथोड, तो कैथोड बना हुआ आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड का HGO,
और ये ध्यान रखो बनाना क्या है, प्रोडक्ट ध्यान रखोगे तो रिएक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और जैसा मैंने समझाया है आपको, अगर ऐसा करोगे ना तो रिएक्शन बैलेंस आएगी, इलेक्ट्रॉनों में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों में कोई गड़बड़ नहीं होगी तो पूरे सेल की रिएक्शन, जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी, नेट रिएक्शन आएगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो पहले आप ध्यान रखो कि HgO से हमें Hg बनाना है, इतना आपने ध्यान रख लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर रखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर ये अकेला है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। यहां पर मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम इक्वल करते हैं इलेक्ट्रॉनों से, तो इस साइड हमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब दो माइनस, और ये दो माइनस और ये दो प्लस, जीरो हो गए ना, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। चलो ऑक्सीडेशन नंबर का काम हो गया। अब देखो इधर ओ है, इधर ओ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है ना इस साइड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन अगर नहीं है तो ऑक्सीजन देने वाला सेल में कौन है, KOH है, तो ये लो OH मैंने जोड़ दिया है। अब H इधर है और H इधर नहीं है, तो H हाइड्रोजन को हम बराबर करते हैं H2O से। अब गाइज इधर दो हाइड्रोजन है और इधर एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो दो से। तो गाइज अब देख लो आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन सेल की, तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो जब आप ऐड करो ना, तो एक साइड वाले ऐड होंगे, यानी कि इधर वाले ऐड होंगे, उधर वाले ऐड होंगे, और एक दूसरे से जो एंटी होते हैं ना वो कटते हैं। जैसे इसके H2O इधर है, इसके H2O इधर है, तो कट गया। इसमें दो इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इस साइड लेफ्ट साइड है, ये दो इलेक्ट्रॉन कट गए। इसमें 2OH लेफ्ट साइड है और इसमें 2OH राइट साइड है, तो ये 2OH कैंसिल आउट। अब बाकी जो बचा है वो ऐसा का ऐसा लिख दो, तो इधर बचा है Zn plus HgO gives out Hg plus ZnO। तो गाइज ये सेल की ओवरऑल रिएक्शन है। सेल का जो EMF होता है वो होता है लगभग 1.35 वोल्ट, और इस सेल का जो EMF होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। जब तक सेल डेड नहीं हो जाता ना, तब तक यह कांस्टेंट EMF हमें सप्लाई करता है। अब इसका कारण क्या है, सेल का EMF क्यों कांस्टेंट होता है? तो देखो इसका कारण यह है कि सेल की ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है। देख लो कोई भी आयन नहीं है ना, तो सेल की ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है। अगर ओवरऑल रिएक्शन में आयन नहीं है तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो आयन कम होंगे ज्यादा होंगे इससे कंसंट्रेशन चेंज होती है, और कंसंट्रेशन चेंज होते ही ईएमएफ चेंज होने लग जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है, इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब सेल लगातार एक कॉन्स्टेंट ईएमएफ देता रहेगा। तो गाइज अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल है, तो ये पढ़ेंगे। तो वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।